नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ एप्लीकेबिलिटी ऑफ एम एस आई एस सी रूल्स उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट को टू जीरो वन पी डी आई एस हेजार आइडेंटिफिकेशन एसेसमेंट एंड कंट्रोल टेक्निक क्वेश्चन में आपको एप्लीकेबिलिटी ऑफ एम एस आई एस सी रूल्स ऐसा क्वेश्चन रहता है जो उसका मार्किंग वेटेज एग्जामिनेशन में फाइव टू रहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट promulgated environmental protect act 1986 and their set of rules are brought under the act the rules applies to all the factory where handling of hazardous chemicals are done the main rules under these rules are as under rule number manufacturing storage and impact of hazardous chemical rules 1989 yani ki एम एस आई एस सी रूल एम एस आई एस सी का फुल फॉर्म बोले तो मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपैक्ट ऑफ हेजारियस केमिकल रूल्स नाइनटीन वो किस किस प्लांट को एप्लीकेबल होता है उसके बारे में इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हेजारियस लिमिट कितना होना चाहिए मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स नाइनटीन एटी नाइन रूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टोरेज एंड माइक्रो ऑर्गेनाइज़म जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्युपायर लाइक द ऑक्युपायर इज इक्वायर टू आइडेंटिफाई हेजार्ड्स एंड प्रोवाइड ए नेसेसरी प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रिवेंट ए एम एच यानी कि मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड एंड टू सी दैट इट डजेंट एडवाइजरिली इफेक्ट द एनवामेंट एंड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टिव वीयर्स टू वर्कर्स यानी कि जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्युपायर की यही रहेगी जहाँ पे एम एस आई एस रूल्स लगता है जहाँ पे एम एच यूनिट्स है वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उसको पर्सनल प्रोटेक्टिंग वियर्स वर्कर्स को देना चाहिए ट्रेनिंग देना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए और वहाँ पे अगर कुछ इवेंट होता है इंसिडेंट, एक्सीडेंट जैसा तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसका उसके पास ऑफ़लाइन एंड ऑनलाइन प्रिपेडनेस प्लान होना चाहिए और लीगली उसको रिपोर्ट गवर्नमेंट के अंदर सबमिट करना चाहिए नोटिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड ऑक्यूपायर सेल नॉट अंडरटेक एनी एक्टिविटी अनलेस द हैज सबमिटेड ए रिटर्न रिपोर्ट टू द डीज कंटेनिंग पर्टिकुलर इन शेड्यूल सेवन नोटिफिकेशन रिगार्ड साइट एंड पाइपलाइन यानी कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग साइट एंड पाइपलाइन शिड्यूल सेवन के तहत जो ऑक्यूपायर है उसको जिस जिस जीज टाइप का उसका रिपोर्ट है वो सबमिट जो किया है वही एक्टिविटी करना है और वो एक्टिविटी के हिसाब से उसको डिस को वहाँ पे रिटर्न में रिपोर्ट सबमिट करना है डिस बोले तो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ इज ए वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल एक्टिविटी टू विच रूल्स सेवन टू फिफ्टीन अपलाइड अप्रूवल एंड नोटिफिकेशन ऑफ साइट यानी कि जहाँ साइट पे एम एस आई एच रूल्स जो है नाइनटीन एटी नाइन या तो एम यूनिट है उसको अप्रूवल इज मस्ट एंड नोटिफिकेशन फॉर द साइट टू द गवर्नमेंट ऑथोरिटी अंडर अपडेटिंग ऑफ द साइट नोटिफिकेशन फॉलोइंग चेंजिस इन द्रेशोल्ड क्वान्टिटी वेयर एंड एक्टिविटी हैज़ बीन रिपोर्टेड एंड एकॉर्डेंस विद द क्लोज वन ऑफ सब रूल सिक्स एंड द ऑक्युपायर मेक्स ए चेंज इन इट यानी कि ऑक्यूपायर जो कुछ चेंजेस करता है तो उसका रिपोर्ट वो क्लोज वन एंड सब रूल सिक्स के हिसाब से रिपोर्ट में सबमिट करना चाहिए और वहाँ पर थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है उसका डिस्प्ले भी होना चाहिए थ्रेशोल्ड क्वान्टिटी कितनी है वो भी डिस्प्ले होना चाहिए transitional provision where on the date of coming into force of these rules an occupier who is engaged in existing industrial activity which is required to be reported under clause 1 of sub rule 6 or within 6 months after that date on occupier commences any such new industrial activities safety reports and safety audit reports

यानी कि सेफ्टी रिपोर्ट्स को वहाँ पे जो 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 चेंजेस या इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हैं उसको अपडेट करना है और रिपोर्ट सबमिट करना है रिक्वायरमेंट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन टू बी सेंड टू द ऑथोरिटी यानी कि जो जो जरूरी है इंफॉर्मेशन वो आपको ऑथोरिटी को वहाँ भेजना है द ऑक्यूपायर सेल्फ कैरी आउट एंड इंडिपेंडेंट सेफ्टी ऑडिट ऑफ हीट रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट एंड नोट एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ द ऑक्युपायर सेल अपडेट द सेफ्टी ऑडिट एवरी ईयर यानी कि जो जो एम एस आई एस सी रूल्स के हिसाब से आप ऑडिट करवा रहे हैं उसका सभी का आपको एवरी ईयर ऑक्युपायर को उसको अपडेट करके सेफ्टी रोड ऑडिट हर साल करवाना है और उसका रिपोर्ट जो है वो अप्रोप्रिएट ऑथोरिटी को आपको सबमिट करना जरूरी रहता है

एवरी सिक्स मंथ पे मॉक ड्रिल भी कंडक्ट करना चाहिए और उसका रिपोर्ट्स जो है वो रेडी करना चाहिए ऑन साइट इमरजेंसी ड्रिल आप करोगे तो उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ जाता है कि ऑन साइट इमरजेंसी पे क्या क्या इफेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है तो वो ऑक्यूपायर को उसको प्रिपेयर करना है प्रिपेयरनेस प्रिपरेशन ऑफ द साइट इमरजेंसी प्लान बाय ऑक्यूपायर यानी कि ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान भी प्रिपेयर ऑक्यूपायर को प्लान करना चाहिए द कौनसन कौसर्न हैज टू प्रिपेयर ऑन ऑफ इमरजेंसी प्लान एज इन शेड्यूल टू एंड कीप इट अप टू डेट द मॉकड्रिल सेल बी कंडक्टेड एवरी ट्वेल्व मंथ्स यानी कि ऑफ इमरजेंसी प्लान जो है वो साल में एक बार यानी कि बारह महीने के बाद आपको एक मॉकड्रिल अरेंज करना है शिड्यूल टू की तहत और ऑथॉरिटी जो रहता है उसको ऑफ इमरजेंसी प्लान प्रिपेयर करना है और कहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा मैंने आगे बताया ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान जो है वो साल में छः महीने में एक बार होना चाहिए और ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान का मॉकड्रिल जो है वो बारह महीने में एक बार होना चाहिए इंफॉर्मेशन टू बी गिवन टू पर्सन लाइबल टू बी अफेक्टेड बाई ए मेजर एक्सीडेंट यानी कि जो लोग पर्जन वहाँ पे काम कर रहे हैं उसको इंफॉर्मेशन देना चाहिए मेजर एक्सीडेंट की वजह से उसको क्या क्या हो सकता है क्या इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशन आपको उसको जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उसको देनी चाहिए द ऑक्यूपायर सेल टेक ए अप्रोप्रिएट स्टेप टू इन्फॉर्म पर्सन आउटसाइड द साइट आइदर डायरेक्टली ऑफ थ्रू डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑथॉरिटी हु आर लाइकली टू बी अफेक्टेड यानी कि ऑक्यूपायर को एम यूनिट होने के तहत उसको आजू बाजू में जो कोई यूनिट्स रहता है कोई प्लांट रहता है कोई फैक्ट्री रहती है या लोकालिटी है तो उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास भी सभी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इमरजेंसी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो रहता है उसके पास भी सभी रिपोर्ट्स होना चाहिए सभी इंफॉर्मेशन ऑक्यूपायर को प्रोवाइड करना चाहिए कि यहाँ पे इस इस टाइप की घटना बन सकती है उसके लिए इस इस टाइप का अफेक्टेड हो सकता है शेड्यूल नाइन एक्ट है वो हेसारियस केमिकल जो भी आपके यहाँ पे उसका उसके हिसाब से शेड्यूल नाइन का हिसाब से आपको सबमिट करना चाहिए शेड्यूल टेन द इम्पोर्टिंग सेल ऑल्सो प्रोवाइड एबोव इंफॉर्मेशन टू ऑथोरिटीज एट टाइम ऑफ इम्पोर्ट प्लस द पोर्ट ऑफ एंट्री मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड क्वान्टिटी टू बी इम्पोर्ट विथ कंप्लीट सेफ्टी इन्फॉर्मेशन यानी कि शेड्यूल टेन की तहत आपको जो भी आप इंफॉर्मेशन है वो सभी प्रोवाइड करेंगे अप्रोप्रिएट ऑथोरिटी को टाइमली करना है और इम्पोर्ट जब आप करते हैं तभी करना है और पोर्ट पर एंट्री जब होता है तभी भी आपको एम एस डी एस का इंफॉर्मेशन देना है और ट्रांसपोर्टेशन जब भी कर रहे हैं कितना क्वांटिटी आ रहा है कितना क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं कहाँ पे जाने वाला है कैसे आप स्टोरेज करने वाले एवरी थिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द हेजारियस मटीरियल टू बी सबमिट इन द रिपोर्ट्स फॉर द सेफ्टी इंफॉर्मेशन फॉर द अप्रोप्रिएट लीगल ऑथोरिटीज ऑल द कंटेनर ऑफ हेजारियस केमिकल सेल बी लेबल्ड द कंटेंट्स नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर एंड ऑल्सो फिजिकल केमिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा यानी कि सभी कंटेनर्स जो भी इंपोर्ट हो रहा है वहाँ पे आप या तो स्टोर कर रहे हैं तो हैजार्डियस केमिकल जो भी है उसके ऊपर लेबल होना चाहिए सभी कंटेंट्स उसमें होना चाहिए कौन मैन्युफैक्चरर कर रहा है वो होना चाहिए कौन इंपोर्ट कर रहा है वो भी होना चाहिए एंड ऑल्सो फिजिकल केमिकल एंड टॉक्सोलॉजी टॉक्सोलॉजिकल डाटा यानी कि जहरीला जो भी उसमें पदार्थ है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थैंक यू दोस्तों